हेलो माय फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लेसन टू के शॉर्ट आंसर, और चैप्टर का नाम है फॉरगेटिंग, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट लैंड। तो क्वेश्चन आंसर है हमारा इसमें लेसन टू, जो फॉरगेटिंग है उसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला ही है हमारा क्वेश्चन, व्हाई वर मैनी पीपल एस्टोनिश्ड ऑन रीडिंग द लिस्ट ऑफ लॉस्ट आर्टिकल इन द ट्रेन। तो इसका मतलब है बहुत से लोग रेलगाड़ियों में खोई हुई वस्तु की सूची पढ़कर आश्चर्यचकित क्यों थे। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो दिया है, इसमें दिया है कि ऑन रीडिंग द लिस्ट ऑफ लॉस्ट आर्टिकल इन द ट्रेन, मैनी पीपल वेयर एस्टोनिश टू सी दैट देयर वर आ नंबर ऑफ एबसेंट माइंडेड पर्सन्स, इट वॉज स्ट्रेंज फॉर देम। यानी कि इसका मतलब है, हिंदी में अगर ट्रांसलेट है तो, रेलगाड़ी में खोई हुई वस्तुएं की सूची को पढ़कर बहुत से लोग चकित रह गए कि भुलक्कड़ व्यक्तियों की संख्या काफी बड़ी है। उनको यह बात अजीब लगी। और क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, व्हाट डू सर्टेन फिजिकोलिस्ट टेल्स, ये है यहां पर ना, टेल्स है, टेल्स यूज अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स। यानी कि इसका मतलब है, कुछ मनोवैज्ञानिक वस्तुओं की विस्मृति के विषय में क्या कहते हैं। तो इसका है आंसर, सर्टेन फिजिकोलॉजिस्ट लाइक फ्रूट एंड अदर टेल डेट वी फॉरगेट थिंग्स विच डू वी डू नॉट लाइक। यानी फ्राइड जो है, फ्राइड और उन जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि हम उन चीजों को भूल जाते हैं जिन्हें हम ना पसंद करते हैं। तो नंबर थ्री है हमारा, व्हाट डज द मॉडर्न मैनी रिमेम्बर। इसका मतलब है, आधुनिक मनुष्य का स्मरण रखता है, यानी कि आधुनिक मनुष्य क्या स्मरण रखता है। तो इसमें आंसर है, द मॉडर्न मैनी रिमेम्बर टेलीफोन नंबर्स द एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड गुड विंस एंड टाइम्स ऑफ लंच एंड डिनर। तो इसका है, आधुनिक मनुष्य को टेलीफोन संख्या मित्री संख वो संख्या मित्रों के पते, उत्तम मदिरा और दोपहर तथा रात के भोजन के समय याद रखते हैं। यानी कि आधुनिक मनुष्य को टेलीफोन संख्या, मित्रों के पते, उत्तम मदिरा और दोपहर तथा रात के भोजन के समय याद रखते हैं। और नंबर फोर हमारा है, व्हाट इज मेमोरी क्राउडेड विद, यानी कि स्मृति किन से भरी हुई है, यानी कि स्मृति किन चीजों से भरी हुई है। तो आ पर्सन्स मेमोरी इज क्राउडेड विच द नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड, ये हमारा है, मर्डर्स। यानी कि इसका मतलब, किसी व्यक्ति की स्मृति अभिनेताओं जैसे अभिनेत्रियों और क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ियों तथा हत्यारों के नाम से भरी हुई है। यानी कि मर्डर्स माने हत्यारों के नाम से भरी हुई है। तो माय फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हम यहाँ तक, हमने वन से लेकर फोर्थ तक इस चैनल इस कॉस्ट इस जो वीडियो में डिस्कस किया है,
और हम जो अभी जो आगे वीडियो भेजेंगे उसमें हम 5 से लेकर और जो भी हम आप पूछना चाहोगे जो उसका हम उत्तर देंगे, और हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक।